नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1/11। कल यानी कि 6 जुलाई को राहुल गांधी पटना आने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी को लेकर मोदी चोर है का बयान दिया था और उसको लेकर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मोदी टाइटल वालों का इस तरीके से यूज करने को लेकर उन पर मानहानि का दावा किया था, मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसमें वो कल पटना आने वाले हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के आने से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वो अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के और अभी सांसद भी हैं, तो जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इस दौरान वो क्या आते हैं, इस तरीके से क्या कुछ कहते हैं, अपनी बातें क्या रखते हैं, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और कोर्ट में किस तरीके से उनको लेकर क्या कुछ कोर्ट कहती है या फिर इस मामले में आगे क्या कुछ सुशील कुमार मोदी कहते हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राफेल विवाद को लेकर लगातार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर कई ऐसी टिप्पणियां की, जिसमें उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की और मोदी टाइटल को लेकर भी लगातार वो बोलते रहे, जिसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने पर मानहानि का केस दर्ज किया। और अब उस केस में सुशील कुमार मोदी की पहले ही पेशी हो चुकी है, उनके जो बयान दर्ज होता है वो हो चुका है और इसको लेकर कोर्ट ने समन किया है। और कल राहुल गांधी यानी कि 6 जुलाई को राहुल गांधी पटना आएंगे और उसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। न्यूज 1/11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।